कल्याणी बहन, ये लो रश्मि के नाम से रजिस्टर पोस्ट है। रश्मि के नाम से? हाँ। कहाँ से आई है? बाराबंकी सिविल कोर्ट से। सिविल कोर्ट से? रश्मि के नाम वहां से क्या भेजा है? खोल के पढ़ लीजिए ना, या रश्मि को ही फोन करके पूछ लीजिए अब क्या गुल खिलाया उसने। चलते हैं। सारे सवाल पूछने के बजाय ये बताओ कि कोर्ट के नोटिस में लिखा क्या है। रश्मि, शायद तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना है। हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा है। किसने भेजा है? अगर कोर्ट से नोटिस आया है तो नाम तो लिखा ही होगा। इस पर किसी मनोज पाठक का नाम लिखा है। ठीक है, एक काम करो, विकास को बोलो कि वो उसकी फोटो खींच के भेज दे, हम देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन ये है किस बारे में? माँ, हमने कहा ना हम देख लेंगे, तुम बस विकास को बोलो कि वो फोटो खींच के हमें भेज दे। हमें देर हो रही है, हमें मीटिंग के लिए निकलना है। बाय माँ। माँ बाय। रश्मि आज पक्का एक और क्लाइंट लेके आएगी एजेंसी के लिए, देख। हाँ, उसकी स्कर्ट की लेंथ और छोटी हो गई है। विकास, ये नोटिस पढ़कर कुछ समझे? चाचा जी, हमको बस इतना समझ आया है कि दीदी ने किसी मनोज पाठक से 5 लाख रुपए लिए हैं। भाई साहब, लेकिन इस नोटिस में लिखा क्या है? कल्याणी, तुम हमेशा ऐसे ही ना समझ रहे ना, और विकास तुम भी। रश्मि ने ये पैसे क्यों लिए कुछ समझ में आया? नहीं चाचा जी। अरे तुम्हारा घर रश्मि ने इस आदमी को बेच दिया है, यही बालापुर वाला घर जिसमें तुम लोग रह रहे हो, और तो और उसने टोकन के पैसे भी लिए हैं, और अब रश्मि ना तो उसको पैसे वापस कर रही है ना ही घर के कागजात। इसलिए मनोज पाठक ने बाराबंकी सिविल कोर्ट के अंदर रश्मि के खिलाफ केस दाखिल किया है। रश्मि ने हमारा घर बेच दिया? हमें भी ना बताए दीदी ऐसे कैसे कर सकती हैं? तुम्हें और तुम्हारी माँ को कुछ पता भी है कि रश्मि वहां लखनऊ में बैठकर क्या क्या करती है? रश्मि पांडे क्या करती है, क्या नहीं करती है, और वो क्या कर सकती है, इतना उसका छोटा भाई और माँ तो क्या शायद कोई भी उसके बारे में नहीं जानता था। रूपम बता रहे, इस रश्मि को तो सिर्फ दो ही चीजें आती है, छोटे छोटे कपड़े पहनना और मर्दों को लुभाना, दैट्स इट। पर हर कोई ये जरूर जानता था कि रश्मि हर चीज अपनी मर्जी से और अपने मतलब के लिए ही करती थी। रूप हम बता रहे, ये रश्मि बहुत ही चालू लड़की है, हमें तो लगता है ये काला जादू भी करती है। काला जादू? क्या बोल रही हो पाए, मतलब कुछ भी? और नहीं तो क्या, वो हमेशा हमसे हमारे क्लाइंट्स छीन लेती है। आखिर उसको पता कैसे चलता है हम कहाँ किस क्लाइंट को क्या ऑफर दे रहे हैं? हाय कपिल, मैं कमी। रश्मि, कम इन, कम इन। कैसी हो? I'm good. What about you? बस अच्छा, बैठो। Please. हमें पता है कि जब वो क्लाइंट से मिलती है तो वो जानबूझकर अपने शर्ट का दूसरा बटन भी खुला रखती है। बहुत चालू चीज है ये रश्मि। बिरेन सर, हमें पूरा भरोसा है कि रश्मि अपने क्लाइंट्स के साथ फिजिकल भी होती है। और सर, उसने अपने केबिन में एक मेंढक भी रखा हुआ है। मेंढक? यस सर, एक डेकोरेटिव पीस। सर, वैसे तो ये मेंढक दिखने में डेकोरेटिव पीस लगता है, लेकिन सर हमें पूरा भरोसा है वो इसे जादू टोने के लिए इस्तेमाल करती है। पायल, तुम्हें जलन हो रही है। जलन रश्मि से? सर आपको दिख नहीं रहा है, वो अपने बॉडी का इस्तेमाल कर रही है। पायल, वो अपने काम में माहिर है, और अपने टारगेट्स पूरे करने के बाद भी बहुत ही मेहनत करती है, और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स लाने की कोशिश करती है। वो एजेंसी के लिए अच्छी बात है ना। सर, कोई और होता ना तो हिम्मत नहीं करता आपसे कहने की, लेकिन सर हम कह रहे हैं रश्मि सही नहीं है। आप जानते हैं वो कौन है? वो एक नंबर। पायल, मेहनत और लगन से आगे निकलने की कोशिश करो, अपने टारगेट्स पूरे करो, ये सारी शिकायतों से दूर रहो, और हर बात जो तुम कह रही हो ना
कि अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रही है वो अच्छी बात नहीं है। वो एम्बिशियस और मेहनती लड़की है और मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। हमारी बात याद रखना, वो अजीब ही है, बता रहे हम। जब सबको पता चलेगा ना तब समझ में आएगा। जो लोग जिंदगी में हर चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, चाहे वो लोगों से हेर फेर करते हैं या फिर वो जिस रिश्ते में होते हैं उसमें हेर फेर करते हैं, उन्हें लगता है कि हेर फेर करना उनकी एक अनोखी कला है। और हेर फेर के भयानक रास्ते पर चलते हुए वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि कभी कभी वो अपनी हद पार कर जाते हैं। तो बॉडी पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे लाश की पहचान हो सके। यहाँ आसपास किसी गाड़ी के टायर का निशान भी नहीं है जिससे पता चलता है कि लाश को किसी गाड़ी से लाया गया। सही, ये बॉडी आज की नहीं लग रही है। इस बॉडी को इस बड़े पत्थर से बांध के, इस रस्सी से बांध के पानी में फेंक दिया गया था ताकि लाश नीचे दबी रहे पानी में, लेकिन ये ऊपर आ गई और किनारे लग गई। पायल, पायल, तुम्हें फॉरवर्डेड मैसेज मिला क्या? ये रश्मि है, पुलिस अब तक पहचान नहीं कर पाई। कब हुआ ये? हमें नहीं पता, एक घंटे पहले मैसेज आया हमको। ये इस लड़की का गला बुरी तरीके से घोटकर मार दिया गया है, इतनी बुरी तरीके से कि इसके गले की एक हड्डी टूट गई। मुझे लगता है इस लड़की की हत्या काफी वक्त पहले की गई है, काफी दिन पहले। काफी दिन नहीं, एक दिन से थोड़ा ज्यादा। इसके डेथ अप्रोक्स 36 से 40 घंटे पहले हुई। आज 9 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर की रात को इसकी डेथ हुई। कोई सेक्सुअल असॉल्ट? सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं है सर, लेकिन इतना पता चल रहा है कि डेथ से पहले ये सेक्सुअली एक्टिव जरूर थी। सर, इस लड़की के बारे में पता चल गया, रश्मि पांडे नाम है इसका। रमेश विहार कॉलोनी में रहती थी, इसके माँ और भाई बालापुर गांव में रहते हैं। डॉक्टर वैद्य बता रहे हैं कि इस लड़की की हत्या 7 अक्टूबर की रात को हुई, तो कल 8 अक्टूबर को किसी ने इससे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की? सर, इसके बॉस का कहना है कि 4 दिन की छुट्टी पे थी। सर, ये रश्मि पांडे ही है, हमारी एजेंसी की स्टार सेल्स मैनेजर। सर, सर ये कैसे हुआ? बीरेन जी, उसकी लाश हमें कुछ वक्त पहले ही संपत नहर में मिली, लेकिन हमें लगता है कि उसकी हत्या एक दिन पहले हो गई थी। सर, 7 to 10 अक्टूबर उसने छुट्टी ली थी, कोई केस के सिलसिले में उसे कोर्ट में हाजिर होना था। 11 अक्टूबर को तो वो ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी। सर, रश्मि के माँ बाप कहाँ हैं और रश्मि कहाँ रहती थी? हाँ, हम रश्मि की माँ बोल रहे हैं, आप कौन बात कर रही हैं? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मीना राय बोल रही, नावेदगंज पुलिस थाने से। आपको यहाँ लखनऊ आना पड़ेगा कल्याणी जी, आज सुबह हमें रश्मि की लाश मिली। रश्मि की लाश? ये क्या कह रही हैं आप? रश्मि मर चुकी है कल्याणी। मैम, ये रश्मि का घर है, वो यहीं रहती थी, हमने उसे एक बार ड्रॉप किया था। ये रश्मि की कार है मैम। रश्मि अकेले रहती जी? हमें तो यही पता है। दरवाजा तो लॉक है, इसकी दूसरी चाबी हो सकती है किसी के पास, किसी को जानते हो, मकान मालिक या कोई और? नहीं, हमें नहीं पता, हमने बस एक बार ड्रॉप किया था, वो भी इसलिए कि उसकी कार सर्विस पे गई थी। हम तो एक साल से बस यही जानते हैं कि ये घर शायद उसका खुद का है। रश्मि की माँ या उसके भाई विकास को जानते हो, उनके पास हो सकती है इसकी डुप्लीकेट चाबी? नहीं मैम, हमें कुछ भी नहीं पता, हम उनसे कभी नहीं मिले। कैसे हुए ये? अभी तो तहकीकात शुरू है। आप? हम भोलाराम पांडे, रश्मि के चाचा। कब हुआ ये? अभी पता चला कि 7 अक्टूबर की रात को हुआ।
आप लोगों के पास रश्मि के रमेश विहार कॉलोनी वाले घर की चाबी है या उसके मकान मालिक का फोन नंबर? नहीं, हमारे पास नहीं है। घर की चाबी किसी के पास नहीं है सर, और ये भी क्लियर नहीं है कि रश्मि उस घर में रेंट पे रह रही थी या ये उसका खुद का घर था। मीना, तुम मजिस्ट्रेट साहब के ऑफिस जाओ और वहां से रश्मि के घर का लॉक तोड़ने के ऑर्डर्स लो। मैं रश्मि के भाई, माँ या चाचा, जो भी बात करने की हालत में है, उससे बात करता हूँ। अश्विन, नंबर है 444-0913। नाम है रश्मि पांडे। जितना जल्दी हो सके इसके कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। रश्मि शादीशुदा नहीं थी, उसका कोई दोस्त या बॉयफ्रेंड था यहाँ? साहब, इस बारे में तो कल्याणी को भी कुछ पता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको कुछ पता होता तो हमको जरूर बताती। रश्मि और विकास के पिता शंकर मेरे बड़े भाई थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब हम ही। विकास, तुम्हें तो पता होगा, काफी क्लोज रहे होगे रश्मि के। नहीं पता साहब, रश्मि दीदी कभी कुछ बताती ही नहीं थी। रश्मि यहाँ जिस कोठी में रह रही थी, उस कोठी की कोई भी डिटेल्स नहीं आप लोगों के पास? नहीं सर। रश्मि की कोर्ट में पेशी थी किसी केस के लिए, किस केस के लिए थी ये तो पता होगा या ये भी नहीं पता? वो पता है साहब, किसी मनोज पाठक ने केस किया था रश्मि दीदी पे। किस लिए? सर, उसके घर को लेकर कुछ केस था, कुछ मसला था, लेकिन डिटेल में नहीं बताया था रश्मि ने। ध्रुव और पायल, तुम दोनों रश्मि के कलीग्स हो ना, उसने कभी बॉयफ्रेंड का जिक्र नहीं किया? सर, ऐसी कोई बात रश्मि ने तो कभी हमसे नहीं कही और ना कभी हमने उससे पूछा। पर सर, काफी टाइम से उसकी एक फ्रेंड थी सुप्रिया, एक बार रश्मि ने जिक्र किया था उसका। नंबर है उसका? नहीं सर, नंबर तो नहीं है उसका। जिक्र क्यों किया था? मतलब सर, बात बात में जिक्र किया था, कौन सी बात पे किया था ये हमें याद नहीं है। ध्रुव, उतना ही बोलो जितना बोलना चाहिए। अरे, जो उन्होंने पूछा हमने बस वही तो बताया कि सुप्रिया उसकी फ्रेंड है, बस। आगे देखा नहीं कैसे पूछा था, क्यों जिक्र किया था उसने? ज्यादा मुंह मत खोलो अपना। रश्मि पांडे के बारे में कोई कुछ नहीं बोलने वाला था, क्योंकि रश्मि पांडे के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर कई लोगों को बहुत कुछ पता था, पर वो मुंह नहीं खोलना चाहते थे। रश्मि की जिंदगी के कई पहलू थे और वो एक ही वक्त पर अलग अलग कई जिंदगियां जी रही थी। क्या किया है तुमने ऋषभ? ये तो हम आपसे पूछने वाले थे पापा, कि आपने क्या किया है। देखो बेटा, वो लड़की थी तो मुसीबत थी, और अब नहीं है तो और बड़ी मुसीबत है। पापा, हमारे लिए या आपके लिए, या आपके और दशरथ जी के लिए? प्रद्युमन चौधरी और दशरथ जी के आपसी मतभेद में बलि चढ़ी रश्मि पांडे। ये खेल मत खेलो ऋषभ, मजाक में भी नहीं। वो तकलीफ हमारे लिए थी या आपके लिए प्रद्युमन जी? देखिए दशरथ जी, आपको और हमें दोनों को पता है कि उसके जाने से किसी को दुख नहीं हो, ना आपको ना हम। फिर आप परेशान क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये भी आप जानते हैं कि कुछ ताले ऐसे होते हैं जिनकी चाबी नहीं मिले तो अच्छा है। हमें बस इस बात की फिक्र है कि कोई बेमतलब की चाबी ना मिल जाए और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ताले की खोज में ना निकल पाए। पर देखिए हाजी के, आपके भी अच्छे मित्र हैं और हमारे भी, तो बस ये कह रहे हैं कि आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड नहीं बुलाते, आग लगने ही नहीं देते। समझ रहे हैं आप हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, आप कोई खेल मत खेलना तो हमें भी नहीं खेलना पड़ेगा, यहीं फुल स्टॉप लगाते हैं। तुमने उसका मर्डर संपत नहर के पास ले जाकर किया, सीधा बता दो, हम कोर्ट में डिफेंस तैयार कर लेंगे ना। ये कैसी बात कर रहे हो वकील साहब? तो मिस्टर मनोज पाठक, किसी ने तुमसे ये पूछा नहीं इससे पहले क्यों उछल रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया? चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कावा सुनी है? पर तुम नर्वस मत हो, हम हैं तुम्हारे साथ, लॉयर हैं हम, ये पुलिस से डरते वरते नहीं है, और तुम्हें भी कह रहे हैं कि तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा घर अच्छे से स्कैन करना, एक एक ड्रॉअर, मोबाइल हो या कुछ भी, ठीक से स्कैन करना। मैडम, ये गाड़ी की चाबी मिली। पूरी गाड़ी को अच्छे से चेक करो और वो वीडियो रिकॉर्डर को बोलो कि पूरे सर्च को अच्छे से रिकॉर्ड करे। जी मैडम। अच्छा हुआ तुमने सामने से फोन किया सुप्रिया, तुम्हारा फोन नंबर ही नहीं है किसी के पास। हमें पेपर में देखने के बाद पता चला सर, कैसे हुआ ये, और
रश्मि किसके साथ बाहर गई थी? कौन कर सकता है ये सब? अब ये तो हमें तुम ही बता सकते हो, उसके भाई और माँ को भी कुछ नहीं पता। तुम अभी पुलिस स्टेशन आ जाओ, कुछ बात करनी है तुमसे। सर बाकी डिटेल्स निकाल रहा हूँ, लेकिन कॉलोनी के दो तीन लोगों से बात की तो पता चला रमेश बिहार में जो घर है उसकी ओनर रश्मि है। उसका खुद का घर है? हाँ सर, आप चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह मंगवा के देख सकते हैं। कमाल, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी में इतनी कमाई, और ये तो वहाँ पे एम्प्लॉय थे, ओनर भी नहीं थी। 6 महीने पहले इस लड़की रश्मि पांडे ने मेरे क्लाइंट मनोज पाठक से 5 लाख रुपए टोकन मनी लिए अपने बालापुर गांव वाले घर को बेचने के लिए। रश्मि अपना घर बेच रही थी? जी सर। सर हम राघोपुर से है, ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हम रश्मि का गांव वाला घर खरीदना चाहते थे। 20 लाख रुपए में डील फाइनल हुई थी, 15 लाख रुपए बाई चेक और 5 लाख रुपए कैश एडवांस। और जो ये 5 लाख रुपए है ना सर, वो हमने रश्मि के लखनऊ वाले कोठी पे उसे दिए थे। अब आप घर के कागजात तैयार करवा लीजिए रश्मि जी, एक बार साइन हो जाए तो आपके बचे हुए 15 लाख भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है मनोज जी, आप हमें 1-2 हफ्ते का वक्त दीजिए, हम आपके सारे पेपर्स रेडी करवा देंगे। सर 2 महीने बीत गए, रश्मि टाल मटोल करने लगी। मैंने उसे कई बार फोन किया सर, लेकिन वो कह रही थी हम कहाँ भागे जा रहे हैं, ना तुम्हारा पैसा भागे जा रहा है ना घर। और फिर 3 महीने पहले अचानक उसका रवैया चेंज हो गया सर। वो कहने लगी हमने आपसे पैसे लिए कहाँ थे। हमने कहा के पैसे लिए मनोज जी, और कब? कोई प्रूफ है आपके पास? मुझे चूना लगा रही हो, हम ही से पैसे लेकर हमसे खेल खेल रही हो। आप ऐसे धमकी मत दो मनोज जी, और इस बात का क्या मतलब है कि आप हमारा रेप करेंगे? क्या, हम अभी पुलिस को कंप्लेन करने जा रहे हैं कि आप हमें रेप करने की धमकी दे रहे हैं? सुनो सुनो रश्मि सुनो, एक तो पैसे लिए, ऊपर से हमें ही धमका रही है। यहाँ मेरे क्लाइंट मनोज पाठक ने बड़ा होशियारी वाला काम किया, उसने तुरंत हमें कॉल कर दिया, तो हमने भी तुरंत सिविल कोर्ट में चीटिंग का केस फाइल करवा दिया। और केस तुम हार रहे होगे मनोज, क्योंकि तुमने कहा कैश दिया था, तो कैश की कोई लिखा पढ़ी तो ही नहीं होगी। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? आपका मतलब ये है कि मेरे क्लाइंट मनोज पाठक ने सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए उस लड़की का मर्डर कर दिया? वकील साहब, आप मनोज पाठक के सिर्फ चीटिंग वाले केस में वकील हैं, यहां इस वक्त मनोज हमारा एक मर्डर केस में संदिग्ध है। सर एक केस करने के बाद में ऐसे ही चलाक और ऊंची दिमाग वाले लड़के के साथ हम क्यों उलझेंगे? केस करने के बाद हमने सिर्फ एक बार उसे फोन किया था ये कहने के लिए कि हमें वो घर नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे पैसे हमें वापस कर दो, लेकिन वो तो बड़ी ढीठ लड़की थी। देखो इंस्पेक्टर साहब, हमें नहीं पता कि आप क्या जानते हैं उस लड़की के बारे, लेकिन आपको इतना बता दें कि वो लड़की थी तो थोड़ी अजीब। कैसी अजीब? काश आप उस दिन होते कोर्ट में जब वो पहली बार कोर्ट में सुनवाई के लिए आई थी। ये क्या है? क्या सर? मिस रश्मि पांडे, आप इस तरह के कपड़े पहनकर कोर्ट में नहीं आ सकती, इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिया जा सकता है, आज की सुनवाई खारिज की जाती है, द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जज तक हैरान रह गए थे उसकी हरकत को देखकर। वकील साहब यहाँ पर रश्मि का मर्डर हुआ है, रश्मि ने कोई हरकत नहीं की। इंस्पेक्टर साहब आप थोड़ी और जानकारी हासिल कीजिए उस लड़की रश्मि पांडे के बारे में, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो किन किन हरकतों में व्यस्त थी। ये देखो इस कमरे में 2 हिडन कैमराज हैं, और यहाँ ये वायर भी है जो दीवार के अंदर से जा रही है, इसका रिकॉर्डर भी यहीं कहीं होना, जल्दी ढूंढो कहाँ है। जी मैडम। नहीं साहब, इस कल्याणी और उस बेवकूफ विकास को तो कुछ पता ही नहीं था कि रश्मि ने घर बेचने की कोई हरकत की है। वो तो घर पर जब नोटिस आया
तब जाकर पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। रश्मि 7 अक्टूबर को दोपहर में कोरट से घर वापस आई थी। कल्याणी जी, ऐसा कैसे हुआ कि रश्मि ने घर बेचने की बात की और ना ही आपको कुछ बताया और ना ही विकास को? उसने घर बेचने की बात की थी। जब हम पूछे क्यों घर बेच रही है तो बोलती रही बस यहाँ लखनऊ आके रहो। हमारे लिए किराए का मकान देखने की बात की थी। ना, हमारे साथ नहीं माँ, हमने लखनऊ में दूसरी जगह घर देखा है, तुम और विकास वहीं रहोगे। लेकिन रश्मि, हम तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि तुम किच-किच करोगे हर चीज में। चाचा जी ने भूसा जो भर दिया तुम्हारे दिमाग में, जो रश्मि तुम्हारे हाथ से निकल गई। अरे चाचा जी हैं तुम्हारे, ऐसी बात नहीं करते। माँ हम निकल रहे हैं, हमें लेट हो रहा है। रश्मि क्या कर रहे हो बेटा, सुन तो। देख विकास भी ये गांव छोड़ के नहीं जाना चाहता है। अब वो गांव में रहे चाहे शहर में रहे, दोनों जगह कुछ खास उखड़ने वाला तो है, इसलिए हम कह रहे हैं चलो तो मतलब चलो। लेकिन ये घर बेचने का सोच कैसे सकती है तू? कैसे सोच सकती है मतलब? अरे माँ इस घर से पैसे आएंगे वो हम ही नहीं रखने वाले ना, तुम्हारा विकास का हिस्सा दे देंगे। चलते हैं माँ। सुन तो रश्मि। और बस चली गई रश्मि। कल्याणी जी आपको ये भी नहीं मालूम क्या, लखनऊ में रश्मि जिस कोठी में रह रही थी वो कोठी उसी के नाम पर थी, वो खुद मालिक थी उसकी? नहीं मालूम, उसने कहा था वो किराए पे रहती है। सब सब इस कल्याणी का ही किया कराया है, इतनी छूट जो दे रखी थी अपनी बेटी को, उसको गांव से यहाँ आते वक्त ही मना कर देना चाहिए था। इसके पति मेरे बड़े भाई साहब शंकर पांडे गांव के स्कूल में मास्टर थे, सब इज्जत करते थे उनकी। उनके देहांत के बाद तो इस लड़की ने, कहने का मतलब है कि क्या क्या गुल खिलाए। क्या क्या गुल खिलाए? देखिए मर्डर हुआ है रश्मि का, कुछ भी हमसे छिपाइएगा नहीं। सर इस रश्मि पांडे ने सिर्फ मनोज पाठक को ही घर बेचने का झांसा देकर पैसे नहीं लिए थे, एक और भी है। मतलब रश्मि ने एक और आदमी को भी घर बेचा था? हाँ सर, टोकन भी लिया था। हमें रश्मि ने मनोज पाठक के बारे में कभी नहीं बताया सर। उसने तो हमसे कहा था कि उसका बालापुर वाला घर खरीदने के लिए अगर कोई हो तो हम उसे बताएं। और सर इत्तेफाक से हम भरत गुलेचा को जानते थे जो बालापुर में घर खरीदना चाहता था। ओके रश्मि जी, वैसे रश्मि जी घर के कागजात कब तक रेडी हो जाएंगे? हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक्चुअली हमारी माँ और भाई को उस घर से लखनऊ शिफ्ट करना होगा। जैसे ही घर खाली हो जाएगा आपके सारे पेपर्स रेडी कर देंगे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना समय लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम चलते हैं। चलिए वेलकम भरत जी। प्लीज चिल्लाइए मत, हम आपसे तमीज से बात कर रहे हैं तो आप आवाज नीचे रखिए वरना हम फोन काट देंगे। तुमने चीटिंग की है रश्मि हमारे साथ, और हमने तो ये भी सुना है कि किसी मनोज पाठक नाम के आदमी ने केस किया है तुम्हारे ऊपर। ये कोठी तुमने उसे भी बेची है? हम भूल गए थे आपको बताना, तो क्या ऐसी टोन में बात करेंगे आप? अगर रश्मि यहाँ वहाँ की बात ना करो तो अच्छा है, हमको हमारे पैसे वापस चाहिए बस, कह देते हैं अभी के अभी। और ये फ्रॉड ना हमारे साथ नहीं करना तुम, क्योंकि हम होने नहीं देंगे। देखिए भरत जी अभी हम बिजी हैं, बाद में बात करते। रश्मि क्या कर रही हो, ये भरत गुलेचा हमें फोन करके चिल्ला रहा है। अरे यार हो गई ना गड़बड़ हमसे, ये साला मनोज भी हमारे सर पे बैठा है। यार रश्मि तुम ना बहुत गंदा गेम खेल रही हो, हम बोल रहे हैं तुमको, ये बड़े लोगों को ठगना अलग बात है, भरत गुलेचा बहुत सीधा साधा आदमी है, अपने मेहनत के पैसों से घर खरीदना चाहता है। अरे तो क्या भागे जा रहे हैं क्या हम, है ना? ये दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना किसी पछतावे या बिना किसी एहसास के लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को धोखा देकर उनसे लिए हुए पैसों पर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हैं। किस मिट्टी के बने होते हैं ऐसे लोग, क्यों उन्हें अपने गुनाहों पर कोई पछतावा नहीं होता, उन्हें सब कुछ गलत क्यों नहीं लगता? हमें तब पता चला कि रश्मि किसी मनोज पाठक के लफड़े में फंस गई है, जब भरत गुलेचा ने हमें गुस्से में कॉल किया। हमने आपको भरत के बारे में इसलिए बताया क्योंकि हमें लगा, क्योंकि तुम्हें लगता है भरत ने रश्मि को मारा? हमें बस लगा। सुप्रिया बड़े लोगों को ठगना एक अलग बात है, इसका क्या मतलब है? किन बड़े लोगों को ठगा था रश्मि ने? नहीं सर हमने तो बस ऐसे ही कह दिया था, हमें लगा कि शायद बड़े लोग तो पैसे भूल भी जाएं इसलिए। ये कोठी रश्मि की खुद की है, इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास? हम रश्मि को तब से जानते हैं जब वो ऑलरेडी उस कोठी में रहती थी, उसने वो कैसे खरीदी और कब खरीदी हम नहीं जानते। सुप्रिया हमें रश्मि की लाश संपत नहर के पास मिली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि हत्या से पहले रश्मि ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। 7 अक्टूबर को रश्मि किसके साथ गई होगी? सर ये तो हम नहीं जानते, रश्मि से हमारी आखिरी बार 5 तारीख को बात हुई थी, उसके बाद से ना ही मेरी रश्मि से बात हुई और ना ही हम मिले। रश्मि का कोई बॉयफ्रेंड था?
नहीं सर, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सुप्रिया, रश्मि के घर कोई तो आया था। सर ये तो हम नहीं जानते और हम ये भी नहीं बता सकते कि कौन हो सकता है। दो दो कैमरे, कमरे में हिडन कैमरास? जी सर, दो कैमरास पूरी प्लानिंग के साथ बिस्तर की तरफ पॉइंट करते हुए लगाए गए हैं। और सर फूलदान में एक रिमोट कंट्रोल भी मिला है जिससे इन दोनों कैमरा को ऑन किया जा सकता है। लेकिन सर कुछ वायर्स दिख रहे हैं, रिकॉर्डर निकाल लिया गया है। ऐसा लग रहा है ये वायर्स उसी रिकॉर्डर से कनेक्टेड थी। ये रश्मि कोई सीधी साधी लड़की तो थी नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही थी। भरत और मनोज का किस्सा हमारे सामने, ऐसे और भी लोग होंगे जिनको इसने ठगा होगा। सारी चीजों पर और अच्छे से ध्यान दो मीना, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। जी सर। मैडम ये देखिए यहाँ कुछ है। मैडम ये तो एक डिजिटल सेफ लॉकर है। पासवर्ड? हाँ विकास, पासवर्ड। ये एक डिजिटल लॉकर है, इसका पासवर्ड होगा। रश्मि ने कभी तुम्हें इसके पासवर्ड के बारे में कुछ बताया? दीदी ने तो हमको कभी नहीं बताया। मैडम जी हमको पता भी नहीं है क्या चीज है लॉकर। हाँ फोटो के पीछे एक छोटा सा छुपा हुआ शेल्फ है जिसके अंदर एक डिजिटल लॉकर है। हम इस लॉकर के बारे में कुछ भी नहीं जानते मैम, तो हमें इसका पासवर्ड कैसे पता हो सकता है? अच्छा और ये जो हिडन कैमराज लगे हुए हैं इनके बारे में तो पता ही होगा तुम्हें? कसम से मैम हमें इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। सुप्रिया तुम रश्मि को कब से जानती हो? 2 साल से मैम। रश्मि से हमारी मुलाकात आरके इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी में हुई थी, वो वहाँ पहले जॉब करती थी। हमारा ऑफिस भी उसी कॉम्प्लेक्स में था इसीलिए हमारी मुलाकात हो गई। दोस्ती थी पर मैम हम सच कह रहे हैं हम इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सर हमें किसी लॉकर मैकेनिक को बुलाकर ये डिजिटल लॉकर खुलवाना चाहिए। हाँ ठीक है बुला लो खुलवा लो, लेकिन वीडियो जरूर बनवा लेना। जी सर। तेरी शक्ल देख के लग रहा राजू तुझे कुछ तो पता है। बहुत सी गलियों में टेंशन का माहौल है। इस लड़की के मर्डर में बहुत बड़ा हाथ है भाई। रोड तो बता, गली में पकड़ लूंगा। नो एंट्री वाली गली है। लेकिन देख गोविंद इसके घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना था। कमरे में दो दो कैमरे लगे हुए मिले हैं, ब्लैकमेल का मामला है क्या? और भी बहुत कुछ। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि लड़की कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी। अबे तो सस्पेंस क्यों बढ़ा रहा है, हिंट तो दे किसने किया है कांड। इब्राहिम पिछले 2 दिनों से 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर की रातों के जितने भी रोड साइड सीसीटीवी फुटेजेस थे हमने सारे के सारे चेक किए, लेकिन ये रश्मि पांडे ना किसी के साथ और ना किसी गाड़ी में जाती हुई दिखाई दी। इंस्पेक्टर महादेव एक बार और चेक कीजिए, संपत नहर के रास्ते के आसपास कहीं कोई संदिग्ध गाड़ी या फिर टैक्सी। अगर बॉडी को नहर में डंप करने के लिए गए थे तो इसका मतलब है कि कहीं से तो मार के लाया गया होगा। ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। हम क्यों मारेंगे सर उसको, हमारे पैसे तो डूब ही गए थे। जीना हराम कर दिया था सर उसने, पैसे दे नहीं रही थी, ऊपर से फंसाने की धमकी अलग। क्या कहा तुमने भरत, तुम हमारा रेप करोगे? ओ मैडम हम सिर्फ अपने पैसे की बात कर रहे हैं बस। तो इसलिए तुम हमारे साथ ऐसे घिनौनी हरकत करोगे? तुमने कहा तुम हमारा रेप करोगे। ओ मैडम आप बात को कहीं से कहीं ले जा रहे हैं। हम अभी के अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तुम्हारी कंप्लेंट करने। सही बता रहे हैं, उसके बाद तो हमने उसे फोन करना ही बंद कर दिया। कभी कभी सुप्रिया को फोन करके अपना तोखड़ा जरूर रोते थे हम, हमारे पैसे अलग डूब गए, हमें धमकी दे रही है कि पुलिस में। सुप्रिया को बताया कि रश्मि आपको इस तरह की धमकी दे रही थी? हाँ सर उसको तो बताया था ना हमने। सर वो अपने टारगेट्स हर महीने पूरा करती और टारगेट से ज्यादा अचीव करती थी सर, उसको काफी इंसेंटिव्स भी मिलते थे। ये जो इसका घर है इसकी अभी की मार्केट वैल्यू कुछ 55 लाख है और हमें पता चला है कि वो पिछले 4 साल से वहाँ रह रही थी, यानी 2015 से। तब उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 40-45 लाख के आसपास रही हो, क्या वो इतना कमा पाती थी जो ये घर ले सके? सर हमारे यहाँ तो वो 2 साल से ही काम करती थी, उसके पहले कहीं और काम करती थी। लेकिन एक बात जरूर है, बहुत ही मेहनती लड़की थी, अपने काम में माहिर थी। हाँ एम्बिशियस जरूर थी, जिस तरह से वो क्लाइंट लाती थी उसी तरह से अपने लिए भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करती होगी, और ये इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला हो। नहीं सर उस घर में ऐसा कोई भी निशान नहीं मिला जिससे ये लगे कि वहां कुछ हुआ हो या फिर रश्मि को वहां मारा गया हो। वो लॉकर? सर लॉकर कंपनी 1 या 2 दिन में मैकेनिक को भेज रहे हैं। दो लोग, मनोज और भरत दोनों को ठगा इसने, इसने उन लोगों को भी ठगा होगा, बड़े लोग भी शामिल होंगे इसमें।
सर मुझे सुप्रिया पे ज्यादा शक हो रहा है, काफी कुछ है जो ये नहीं बता रही है। रश्मि कैसी लड़की थी? यहाँ लखनऊ में इतना बड़ा घर, गांव के घर को बेचने की आड़ में लोगों को इस तरह पैसे लेकर ठग रही थी, और गांव में माँ और भाई को गांव के घर के बिगड़े के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सर मुझे लगता है कि इस रश्मि के बारे में और भी बहुत कुछ है। उस दीवार के पीछे वाले लॉकर में से शायद हमें बहुत कुछ मिले। कॉल रिकॉर्ड्स कब तक आ रहे हैं? आज शाम तक आ जाएंगे। छुपाओ, पुलिस को आखिर पता चल ही जाना है। कल्याणी, किसी का अतीत ऐसे छुपता नहीं है, खासकर उस वक्त जब हत्या इस तरह से की गई हो। तो आप ही बता दीजिए ना भाई साहब। हम बताएं? ये तो तुमको बताना चाहिए कल्याणी, हम तो आज भी हमेशा की तरह तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं। रश्मि की इन सारी हरकतों की जिम्मेदार तुम हो। हम क्या करते भाई साहब, क्या करते हम? रश्मि कभी हमारी बात सुनती नहीं थी, ना विकास की बात कभी सुनी। आप तो घर के बड़े हैं, आपने भी तो बात की थी उससे। कुछ तो था जो रश्मि पांडे के परिवार वाले जानते थे, लेकिन वो पुलिस को नहीं बता रहे थे। एक ऐसा अतीत जिसका असर वर्तमान पर पड़ने वाला था। रश्मि के घर पर मिलने वाले लॉकर से बहुत कुछ पता चलने वाला था। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर इब्राहिम शेख बोल रहा हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ मेरी बात किससे हो रही है? मैं ऋषभ चौधरी बोल रहा हूँ, बताइए क्या बात करनी है? आप रश्मि पांडे को तो जानते ही होंगे, उसे कॉल रिकॉर्ड्स में आपका नंबर मिला। हाँ जानते हैं, मतलब एक टाइम पे हम उसे अच्छे से जानते थे, एक दूसरे के साथ घूमा करते थे, पर अब नहीं। ओ, लेकिन आपकी बातें तो रेगुलर होती थी, एक हफ्ते पहले आपकी बात हुई थी। ब्रेकअप होने के बाद एक दूसरे के साथ टच में नहीं रह सकते क्या? रश्मि का मर्डर हुआ है। हम जानते हैं, न्यूज में देखा है हमने, लेकिन देखिए मुझे ऐसे ही कॉल किया करते थे और वो भी हमें ऐसे ही कॉल किया करती थी। एक साल पहले हमारा ब्रेकअप हो चुका। अगर आपका अगला सवाल ये है कि उसका मर्डर हुआ और हम कभी नजर नहीं आए और ना ही आखिरी बार उसकी डेड बॉडी को देखने आए, तो इस बारे में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, जब हमें उसके मर्डर की खबर आई हमें दुख हुआ, लेकिन अब इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं? सुप्रिया, पहली बात, ऋषभ बॉयफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड था रश्मि का जो उसके टच में था। दूसरी बात, रश्मि मनोज की तरह भरत को भी धमकियां दे रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता ना हो? भरत ने साफ साफ बताया हमें कि उसने इस बारे में सब कुछ बताया था तुम्हें। हाँ सर, उसने बताया था, और सर हमें पता था कि रश्मि और ऋषभ का अफेयर चल रहा है, लेकिन सर दोनों का ब्रेकअप हो गया था, और सर भरत के बारे में तो हमने आपको खुद बताया था कि हमें उस पर शक है। सुप्रिया, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो तुमने हमसे नहीं बताई? नहीं सर, और ऐसी कोई बात नहीं है। ऋषभ चौधरी बाहुबली पॉलिटिशियन प्रद्युमन चौधरी का बेटा है। ये लड़की रश्मि और पॉलिटिशियन का बेटा ऋषभ चौधरी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रिया ने जानबूझकर हमें ऋषभ के बारे में नहीं बताया? ऋषभ, हमारा यकीन करो, हमने पुलिस को तुम्हारे और रश्मि के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन ये तुम भी जानते हो कि अगर हम पुलिस को तुम्हारे बारे में नहीं भी बताते तो भी वो रश्मि के फोन से या उसकी कॉल रिकॉर्ड से तुम्हारे बारे में जान सकते हैं। क्या क्या बताया तुमने? भरत के अलावा और कुछ नहीं बताया। ठीक है, अपना ध्यान रखना, और सुप्रिया कसम से हमने रश्मि के साथ कुछ नहीं किया। ओके। रश्मि पांडे के फोन की आखिरी लोकेशन वीआईपी एनक्लेव है। वीआईपी एनक्लेव, ये तो पॉश लोकेलिटी है,
यहाँ पर तो काफी पॉलिटिशियंस के घर है और हमारा संदिग्ध एक पॉलिटिशियन का बेटा है जो रश्मि का एक्स बॉयफ्रेंड भी है। ये सुप्रिया पक्का कुछ छुपा रही है। सर, लॉकर में काफी कुछ मिला है, काफी अजीब चीजें। सर, ये मेंढक और सिक्के के डिजाइन को देख के लग रहा है कि कोई काला जादू का चक्कर है। सर, ये मेंढक तो मैंने रश्मि के ऑफिस के केबिन में देखा था। जब मैं वहां रश्मि की चीजों के बारे में जानकारी लेने गया था तब मैंने देखा था। मुझे लगा कि ये कोई डेकोरेटिव पीस है, लेकिन एक जैसे दो, एक रश्मि के ऑफिस में, एक रश्मि के घर के लॉकर में। जरूर इसका कुछ मतलब है सर। ये रश्मि क्या थी, कर क्या रही थी? ये पेन ड्राइव चेक करते हैं, इनमें उसके रूम की रिकॉर्डिंग हो सकती है। ये तो वो पॉलिटिशियन प्रद्युमन चौधरी है ना? प्रद्युमन चौधरी और दशरथ जी के आपसी मतभेद में बलि चढ़ी रश्मि पांडे। ये खेल मत खेलो ऋषभ, मजाक में भी नहीं। हाँ सर, ऋषभ चौधरी के पिता। लेकिन ऋषभ तो रश्मि का बॉयफ्रेंड था, उसके पिता यहाँ। हमें बाकी के पेन ड्राइव भी चेक करने चाहिए। सर, ये तो दूसरी पार्टी का पॉलिटिशियन दशरथ लाल है। आपको एक खेल मत खेलना तो हमें भी नहीं खेलना पड़ेगा। चल क्या रहा था? तो यहाँ पे दो पेन ड्राइव्स और हैं। इस रश्मि के घर में बड़े लोगों का आना जाना था और वो सबकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। सर, इस केस में बहुत कुछ है। प्रद्युमन चौधरी और दशरथ लाल के अलावा और भी लोग थे जो रश्मि के साथ थे और रश्मि ने इन सब की भी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई थी। हालांकि इस वीडियो रिकॉर्डिंग में पुलिस सबकी पहचान नहीं कर पा रही थी, लेकिन पुलिस को यह पता चल रहा था कि ये बड़ी पहुंच वाले लोग थे। अब इस केस में रश्मि पांडे के बारे में और भी बहुत कुछ सामने आने वाला था। सर, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारी और एक एम्प्लॉई है पायल त्यागी, जो रश्मि की कामयाबी से जलती थी, और वही एक है जिसने मुझे इसके बारे में बताया। मेंढक के बारे में? हाँ, मैंने भी रश्मि के कैबिन में मेंढक देखा था। मुझे तो वो डेकोरेटिव पीस लगा था। हाँ, लेकिन पायल को लगता था कि वो मेंढक का कुछ काले जादू से लेना देना है। बिरेन जी, रश्मि किसी तरह का कोई काला जादू करती थी क्या? सर, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लोगों को अपनी मुट्ठी में रखने और उन्हें अपने इशारों पर नचाने की शक्ति, इसे वशीकरण कहते हैं, लोगों को अपने वश में करने की विद्या। हमें ये शक्ति किसी भी तरीके से चाहिए और किसी भी कीमत पर। ऐसा नहीं होता है कि इंटरनेट पे आपने ऑर्डर दे दी और वो चीज़ आपके पास आ गई। ये विद्या प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, हमें बस ये शक्तियाँ चाहिए। सर, हमें इन पॉलिटिशियंस प्रद्युमन चौधरी और दशरथ लाल और प्रद्युमन चौधरी के बेटे ऋषभ से बात करनी चाहिए। ये बहुत ही अजीब स्थिति है कि बाप और बेटे दोनों एक ही हालात में इस तरह। और इस सबके साथ वो रिकॉर्डर भी गायब है ना? यस सर। और सर, मुझे पूरा यकीन है कि उस रात घर पे कोई तो आया था जिसे घर और कैमरास के बारे में अच्छे से पता था। मर्डर उसी ने किया है रश्मि का। तो सब कुछ प्लान था। वो लड़की तुम्हारे लायक थी ही नहीं ऋषभ, तुम बेकार हम पे गुस्सा कर रहे हो। पापा हमारे लायक थी या नहीं अब बात उसकी नहीं है। पापा, हमारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। हमारे दिल में एक सच है और हमें ये नहीं पता कि उसका सामना कैसे करना है। 7 अक्टूबर की रात को कोई रश्मि के घर गया था पापा। लेकिन हमने उसको नहीं मारा ऋषभ, और हम जानते हैं कि रश्मि को तुमने ही मारा है। इंस्पेक्टर शुक्ला, मैं इस लड़की रश्मि पांडे के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं। 3 साल पहले भी इसने एक बड़े आदमी की जिंदगी बर्बाद की थी। कौन है ये आदमी हरीश? पारितोष मिश्रा नाम है उनका। टैक्स डिपार्टमेंट में विजिलेंस ऑफिसर है। हरीश, क्या हुआ था 3 साल पहले? इस केस में हमने रश्मि पांडे को जेल में भी डाला था। ये रश्मि पांडे बहुत शातिर थी और उसके परिवार वालों को भी उसके बारे में सब कुछ पता था। उसके परिवार वालों ने हमें रश्मि के जेल जाने के बारे में कुछ नहीं बताया? पारितोष को रश्मि ने फंसाया था और धोखा दिया था। शायद रश्मि को मारकर पारितोष ने अपने बर्बादी का बदला लिया हो। रश्मि, तुमने बहुत गंदा खेल खेला है मेरे साथ, धोखा दिया हमें। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं पारितोष, या तो जाल से बाहर निकल आओ या फिर फंसते चले जाओ।
यू डोंट नो मी, तुम हमें बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम देखो हम क्या करते हैं। रश्मि के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन रश्मि ने भी बहुत से लोगों के साथ बुरा किया। तो ये रश्मि भी इतनी सीधी नहीं थी, इन सब के साथ ऐसी रिकॉर्डिंग, और अब ये परितोष जिसका 3 साल पहले का किस्सा निकल के सामने आ रहा है। सर हमें इस परितोष की स्टोरी जाननी होगी। इस परितोष ने रश्मि को जेल भेजा और उसकी फैमिली ने हमें एक बार भी नहीं बताया। रश्मि की माँ और चाचा इससे बिल्कुल अनजान बन गए, लेकिन लगता नहीं है कि वो इतने अनजान है। सर इन सब के साथ एक नाम और जुड़ना चाहिए। ये कौन सा नया एंगल निकला है? सर रश्मि के ऑफिस से गोविंद खबरी खबर लाया, रश्मि का उसकी कलीग पायल त्यागी के साथ 36 का आंकड़ा था, और ये आंकड़ा मर्डर करने तक पहुंच गया। पत्थर इतना भारी नहीं था जितना होना चाहिए था। मिसिंग ही रह जाती अगर बॉडी नहीं मिलती तो, है ना? देखो बेटा, रश्मि तो अब रही नहीं, और तुमसे ये सब कुछ संभलेगा भी नहीं, और तुम्हारी माँ को ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। तो बेटा हम ऐसा करते हैं कि रश्मि का जो लखनऊ वाला घर है उसका अच्छा सौदा करवा देते हैं, उससे तुम्हें और तुम्हारी माँ को काफी फायदा हो जाएगा और अच्छा पैसा भी मिल जाएगा, है बेटा? बेटा रश्मि जिस तरह की जिंदगी जी रही थी उसके साथ तो ऐसा होना ही था, वो खुद अपने आप को इस अंजाम तक लेकर आई थी। बेटा तुम ज्यादा दुखी मत हो, बस अपनी मां को संभालो। रश्मि के तार कई जगहों पर जुड़े हुए थे, पर क्यों जुड़े थे उसने ये तार? क्या वो बड़ी पहुंच वाले लोगों के ऊपर पकड़ रखना चाहती थी, या फिर वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो खुद एक पावरफुल इंसान बन सके? रश्मि के इस काले जादू का क्या एंगल था, और 3 साल पहले रश्मि जेल क्यों गई थी? यकीनन अपराधी ने यह चाहा था कि रश्मि की लाश संपत नहर के किनारे पर कभी ना आती, पर वो आई और रश्मि गुमशुदा बनकर नहीं रह गई। ये किसकी साजिश थी, किसने किया था ये सब? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल रात 10:30 इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।